हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो है ना कितनी लाजवाब मसाला भिंडी की सब्जी। फ्रेंड्स, तो मसाला भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने लगभग 300 ग्राम के आसपास भिंडी लिया है। उसे इस प्रकार के शेप में काटा है, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही बड़ा। एक भिंडी को 2 से 3 पीसेस में करेंगे। तो हमने सारे भिंडी को लगभग काट लिया है और काटने से पहले से पानी से धो के हमने निकाला था, और इसका भिंडी को हमने पहले ही धो के सुखा लिया था। और एक टमाटर का हमने प्योरे बनाया मीडियम साइज़ का, और 2 प्याज का प्योरे। तो टमाटर और प्याज का हमने प्योरे बना लिया पहले मिक्सी जार में। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे, और उसके बाद फिर हमने जो भिंडी काटा था उसे अब डाल के फ्राई करेंगे। ये भिंडी मसाला की रेसिपी फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। इसे 10 से 12 मिनट तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें पकाना नहीं है इसे, नहीं तो हमारा भिंडी जो है बिल्कुल काला हो जाएगा। तो हमने फ्राई कर लिया इसे। अब हम इसे सारे भिंडी को निकालेंगे। तो अब जो तेल हमारा बचा हुआ है उसमें हम आधी चम्मच के आसपास जीरा डालेंगे, और इसे थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे। उसके बाद हमने जो प्याज का प्योरे बनाया था तो उसे अब हम डालेंगे इसमें। ये हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसका प्योरे तैयार किया था। दही भिंडी की रेसिपी फ्रेंड्स हमने पहले ही बना के अपने वीडियो में डाला हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो इस प्याज को भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि इसका पानी सब जल जाए और ये अच्छे से भुन जाए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और जीरा मरीच का हमने पेस्ट तैयार किया था। अदरक हमने 1/2 इंच के आसपास लिया है, और 3 से 4 लहसुन की कलियां, और आधी से भी कम चम्मच जीरा, और 5 से 6 दाने मरीच का हमने लिया था। उन सब का पेस्ट बना के इसमें डाला है, और इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए अच्छे से। अब हम टमाटर का जो प्योरे तैयार किया था उसे डालेंगे। तो इसे अच्छे से फिर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला हमने आधी से कम चम्मच हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच के आसपास धनिया पाउडर, और 1 चुटकी के आसपास लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने जीरा मरीच का जो अदरक का जो पेस्ट तैयार किया था उसी में सूखी मिर्च 1 डाल के हमने उसे पीसा था। तो तीखा इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, और बच्चे भी अगर खाते हैं तो तीखा बहुत कम प्रयोग करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें हम पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भुनेंगे, ताकि जो भिंडी मसाला हमारा तैयार जो होगा वो बहुत ही टेस्टी होगा। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करेंगे हम। तो मसाला हमारा लगभग भुन चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी मीट मसाला का हमने प्रयोग किया है, आप चाहे तो सब्जी मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सब्जी मसाला नहीं था
तो उसकी वजह से हमने मेरे पास पहले से रखा हुआ था मीट मसाला, तो हम उसको ऐड करेंगे यहाँ पे लगभग आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। और इसमें अब हम पानी डालेंगे। अब जिस टाइप का आप इसका ग्रेवी रखना चाहते हो उतना मात्रा में पानी डालें। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी के आसपास पानी डाला है और इसे उबाल आने तक पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक तेज फ्लेम पे। तो फाइनली हमारा ये लगभग ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधी चम्मच से भी कम गरम मसाला का प्रयोग किया है ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। और इसे मिला लेंगे। इसकी ग्रेवी आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये फाइनली हमारा भिंडी मसाला की रेसिपी तैयार है फ्रेंड्स बनके। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा भिंडी मसाला की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स, बिल्कुल मसालेदार, चटकदार और बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए इसका इसका ग्रेवी देख सकते हैं आप, हमने ना ही इसका ग्रेवी देखिए हमने ना ही ज़्यादा पतला रखा है ना ही ज़्यादा गाढ़ी। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ या फिर चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे, हरी धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी है, आपको देखने से इसका टेस्ट का अंदाज़ा लग गया होगा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।